और इतना प्रार्थना से ठीक हो रहा है, तो फिर एक दो का हम लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसके बाद वो ठीक होके हमारे सामने में बता देना, उसके बाद हम लोग परमिशन दे देंगे। वो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है, बड़ा है। अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये कि ये क्रिश्चियन है, वहाँ पर आपको 99% लोग हिंदू मिलेंगे आपको, ये सत्य है। इसको शासन और प्रशासन को स्वीकारना पड़ेगा। वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गुंगा है वो बोलने लग जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे आरोप है, इनके ऊपर में रेप का केस है, इनके ऊपर में धमकी का केस है, ये पैसा वसूली का है, इनके ऊपर में अन्य बहुत सब कहा जा रहा है कि उनके छूने से ही किसी का जो रोग है वो बाहर निकल आता है। अरे ये स्क्रिप्टेड रहता है, आप YouTube में जाकर देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उसके नमूने। हमने सिख समाज दुर्ग ने बहुत रोष दिखाया और कलेक्टर महोदया जी से अनुरोध किया कि इस कार्यक्रम की अनुमति ना दी जाए। सिर्फ भिलाई जिले की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बहू और बेटे अलग हो गए हैं, तलाक हो गया सिर्फ इस चर्च में जाने के चकल्लस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़ और हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो धर्म की रक्षा करने वाले जो भगवाधारी लोग हैं आज यहाँ पर विराजमान हैं, और ये वो परिचर्चा है जो पूरे देश में एक मंथन के रूप में चल रहा है। जी, हम बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह से चंगाई सभा मिशनरियों का होने वाला है, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के साथ हिंदू का जो वहाँ पर सभा में आना होगा, उस पर रोक लगाने के लिए लगातार आवेदन और जो है रोकथाम भगवाधारियों के द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर क्यों इन लोग उस सभा के खिलाफ है, क्यों ये सभा में चंगाई सभा नहीं होने देना चाह रहे हैं, ये सारी बातों तमाम मुद्दों पर जो है हम बात करने चलते हैं। हमारे साथ रतन यादव जी हैं, हमारे साथ गौतम जी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रवि निगम जी मौजूद है, चंदन राजपूत जी मौजूद है, और सबसे खतरनाक भूमिका में जो देखा जाता है ज्योति शर्मा जी, जिनके नाम से ही जो है मिशनरियों के द्वारा न जाने किस तरह से उसके बारे में बात किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं उस चंगाई सभा में होने वाली बातों पर कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है और क्यों ये चंगाई सभा नहीं होने, चंगाई सभा होने वाला है उस पर किस तरह का रोकथाम आप लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने प्रशासन से मांग किया है कि उन्हें अनुमति ना दिया जाए इस कार्यक्रम के लिए, सबसे पहला मांग वही है, क्योंकि अगर उनको यहाँ पर परमिशन दे दिया जाएगा तो धर्म परिवर्तन जो चंगाई सभा के नाम से इन लोग करते हैं, धर्म परिवर्तन है सभी लोग जानते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हो रहा है और हम लोग छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त का हम लोगों ने आह्वान किया है सभी ने, तो उसी का हम मांग लेके बैठे हुए हैं कि उनको कार्यक्रम का परमिशन ना दिया जाए। कारण क्या लगता है, मेन तथ्य जो निकल कर आता है कि चंगाई सभा नहीं होने देना चाहते, क्यों उस पर बात करें? क्योंकि हमारे हिंदू बहनों को और भाइयों को और बेटियों को ये बरगला करके झूठा ख्वाब जो बोलते हैं ना, सपना दिखाते हैं, झूठा ख्वाब दिखाते हैं, वो करके इनको अपने धर्म में लाते हैं, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है, वो अपनी मर्जी से आते हैं। ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है तो फिर बाद में उन लोग रोते हैं, फिर हिंदू में फिर से घर वापसी क्यों करते हैं? मैं उन लोग से पूछना चाहूँगी जो इन लोग हर मरने के बाद ताबूत के लिए पैसा लेते हैं, सब चीज़ उनसे, फिर बाद में जब उन लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं उसके बाद ये सब चीज़ करते हैं, तो आप लोग ज़बरदस्ती ही तो करते हैं, तभी तो उन लोग घर वापसी के लिए हमसे संपर्क करते हैं। तो ऐसा कितना केस हुआ है जो घर वापसी के लिए आप लोग से संपर्क करते हैं? हजारों की संख्या में है, हम लोग घर वापसी करवाते हैं, प्रबल प्रताप भाई भी करवाते हैं, रतन भाई, हम लोग भी सभी जगह हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम करवाते ही रहते हैं। आपके नाम का खौफ जो है मिशनरियों के ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों आपके नाम का खौफ है? अब वो ही बता सकते हैं कि मेरे नाम का खौफ क्यों है, मैं तो ऐसा बस नारा जो हमने बनाया हुआ है रोको टोको और ठोको का है, तो रोकना और टोकना तो मैं करती नहीं हूँ, अगर वो गलत है तो ठोकने का काम करती हूँ, तो हो सकता है इसलिए उनमें खौफ हो कि ये जहाँ भी देखो मारना शुरू करती तो गलत करेंगे तो मार खाएंगे ना। अभी जो चंगाई सभा होने जा रहा है 24 तारीख को, 2 दिन का है, तो उसमें क्या ऐसे कारण लग रहा है कि अनुमति नहीं मिलना चाहिए? उनका कहना है कि हमारे प्रार्थना करने से उन लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं, तो आप स्वास्थ्य
के बीच में आप आ रही हैं, ऐसा ही कहना है। प्रार्थना करने से अगर स्वस्थ हो रहे हैं तो फिर जितने मेडिकल है, हमारा एम्स है, जितने करोड़ों अरबों रुपए जो सरकार खर्च करती है वो सबको बंद कर देते हैं। इनके प्रार्थना से ही जब सब ठीक हो रहे हैं तो, और इतना प्रार्थना से ठीक हो रहा है तो फिर एक दो का हम लोग हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसके बाद वो ठीक होके हमारे सामने में बता देना, उसके बाद हम लोग परमिशन दे देंगे। तो अभी जो आ रहे हैं उनका नाम आप जानते हैं? जी हाँ। कौन आ रहे हैं? बिजेंदर सिंह है। ये कौन है? ये जलंधर के हैं और पूरे जलंधर में 90% इन्होंने धर्मांतरित कर दिया है। ये महिलाओं के साथ में इनके ऊपर में आरोप है, इनके ऊपर में रेप का केस है, इनके ऊपर में धमकी का केस है, ये पैसा वसूली का है, इनके ऊपर में अन्य बहुत सारे केस लगे हुए हैं। और ये पूरे पंजाब में अब सिख भाई लोग भी जागरूक हो गए हैं वहाँ कि इनको हम नहीं आने देंगे। छत्तीसगढ़ में ये सिख समाज भी भाई लोग आ चुके हैं कि ये आदमी सिख हो कर के अपना नाम रख लिया है और यीशु का प्रचार कर रहा है, तो उन्हों इसलिए बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि जलंधर और अमृतसर मेरा हमेशा जाना होता है। धन्यवाद आपका। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं, यहाँ पर रवि निगम जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। युवा हैं, काफ़ी नाम है उनका, और रवि निगम जिस तरह से दहाड़ के जो चलते हैं, हिंदुत्व का जो ध्वजा उठाकर चलते हैं, और इनके तो कारनामे आपने कई बार सुने होंगे, जिस तरह से भगवा के लिए लड़ाई इनके जो देखने को मिलता है, इनसे भी बात करते हैं। जी रवि निगम जी, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, उसमें आपको किस तरह का परेशानी देखने को मिल रहा है या हो सकता है? परेशानी नहीं, आज हम लोग करीब 7 से 8 साल से धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चला रहे हैं और कई जगह छापामार कार्रवाई की गई है, जहाँ इन लोग चंगाई सभा कराते हैं छोटे छोटे पैमाने में, वहाँ पे 98% लोग हिंदू हैं। हमको पता है, प्रशासन और शासन को भी पता है कि यहाँ पर हिंदू धर्मांतरण करवाते हैं, इन लोग क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर भी ये बोलते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते। अगर आपको धर्म परिवर्तन नहीं कराते तो आपका तो चर्च है, आप चर्च में अपने सभा कराइए, बुलाइए। आप सेक्टर 7 जो दशहरा ग्राउंड पार्क है वहाँ पर आप जो बुलाए हैं चंगाई सभा कराने के लिए, शासन और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और वहाँ के आधार कार्ड की जाँच करनी चाहिए कि वहाँ पर वाकई कि ये क्रिश्चियन है। वहाँ पर आपको 99% लोग हिंदू मिलेंगे आपको, ये सत्य है। इसको शासन और प्रशासन को स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि शासन और प्रशासन के संज्ञान में पता है कि हम लोगों ने आज तक कितने भी छापामार कार्रवाई की है, उन सभी में हिंदू पकड़ा है, सभी हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियन सिर्फ 2 या 3 लोग रहते हैं वहाँ। ऐसे मिशनरियों का या फिर उनके समुदाय का कहना है कि जिसको लोग छोड़ देते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनको आर्थिक और मानसिक रूप से सहयोग करते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, तो ऐसे में हिंदू धर्म उनको गरीब तत्व के लोगों को क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, आप सबसे पहली बात तो बता दूँ, वो सहयोग नहीं करते ना, वो हमारा पैसा लेके हम ही को लौटाते। वो किस तरह से? जैसे वो उनसे क्या करते, वो 10 हिंदुओं को जोड़ते हैं, अपने कमाई का 10% हिस्सा लेते हैं, फिर वो 10% हिस्सा में से 50% अपना रखते हैं और 50% हमारे किसी भाई को बरगरा के उसको देते हैं, फिर वो जब उसकी स्थिति ठीक होती है फिर उससे 10% लिया जाता है। ये इनका व्यापार है, सिंडिकेट चल रहा है इनका, जिसका खुलासा लगातार बजरंग दल करता है। धन्यवाद आपके। अब हम आते हैं रतन यादव के पास, जिसके छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में रतन यादव को भगवा के नाम से जाना जाता है। जी रतन जी, ये सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमें अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। हमारे साथ सिख समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं ये झूठ बोलते हैं। प्रार्थना करना हम रोकना नहीं चाहते किसी प्रार्थना को, लेकिन उसके आड़ में जो आप खेल खेलते हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति आ रहा है ये पहले से विवादित रहा है, उसके ऊपर में यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, उसके मीडिया में आप जाकर देखिए आपको समझ में आ जाएगा गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है वो। ऐसे लोगों को प्रमोट क्यों किया जाता है? समाज में ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। दूसरा, यह व्यक्ति जो है बजेंद्र पास्टर, ये एन केन प्रकीर्ण तरीके से ये कार्यक्रम को करना चाहता है, और इसके आड़ में जो काम कराने वाला है वो लगातार समाज के लोगों से पैसे वसूली कर रहा है।
टिकट वितरण कर रहा है, 25,000, 20,000, 40,000 ऐसा कूपन बना कर रखे हैं इन लोगों ने। ये आशीष दिलाने के नाम से करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं लोग, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप किसी भी कीमत में किसी को अंधविश्वास के जाल में नहीं डाल सकते। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गुंगा है वो बोलने लग जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे भोले भाले लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं भरगला लेते हैं, और उसके बाद ऐसा आप शो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है, बड़ा है। अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं जिसको हम रोकना चाहते हैं। हम तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं हिंदू समाज के, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि इनका जो प्रोपोगंडा है वो बंद हो देश के अंदर में। आज हमने दुर्ग से शुरू किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इनका लगेगा इस प्रकार का चंगई सभा, वहाँ सभी हिंदू, जागरूक हिंदू, हमारे बजरंग दल के भाई, हमारे बंधु, सभी लोग उसका जाकर विरोध करेंगे और इस कार्यक्रम को रद्द करवाएंगे। विरोध के चलते रोको ठोको का जो नारा है यहीं से शुरू हुआ था। देखिए रोको ठोको ठोको रोको ठोको ठोको ये जो नारा है ना, हमने विगत 3-4 साल से जब चलाना शुरू किया, आज इसका परिणाम देखने मिल रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह हमारा ये नारा उपयोग हो रहा है अब। क्योंकि इसमें सीधा सीधा हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं, पहले हम समझाने की बात करते हैं। जो नियम बोलता है पहले समझाइए बुझाइए, नहीं समझ में आता तब उनको ठोकिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हमारे शास्त्रों में लिखा है एक समय तक बातचीत करो, अगर नहीं बनता है, अगर जरूरत पड़े धर्म को बचाने तो शस्त्र भी उठाना जायज है। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी आ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि उनके छूने से ही किसी का जो रोग है वो बाहर निकल आता है। अरे ये स्क्रिप्टेड रहता है, आप YouTube में जाकर देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे उसके नमूने, जिनको ये चूतिया बनाया है, जिनको बेवकूफ़ बनाया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने लोगों को लाकर खड़े करके ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम चमत्कार कर रहे हैं। अरे भैया अगर तुम्हारे छूने से ही ठीक हो जाते सारे हॉस्पिटलों को बंद कर दो ना, काहे के लिए खोल के रखा है सरकार, इन्हीं के पास भेजो फिर। तो ये सब फालतू बात है, और ये सब अपने अपने प्रोपोगंडा के तहत देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। विदेशी ताकतें हैं इसके अंदर में, इनको फंडिंग भी होता है बहुत। कानून के थ्रू आप इनको रोकना चाहेंगे तो तर्क वितर्क करके आपको घुमा देंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है भय भी न होत प्रीत, जब तक इनके भय नहीं आएगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जय गए थे इसके रोकथाम के लिए, तो क्या बताया कलेक्टर में? हमने कहा अपनी भावनाओं से अवगत कराया ये सब गलत होने जा रहा है करके, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर देखते हैं क्या है कैसा है, हमने अपना आउटपुट लेते हैं और जहाँ तक बन पड़े कोशिश करेंगे कि टकराव की स्थिति ना पैदा हो। तो मुझे जहाँ तक अभी सूत्रों से खबर मिली है, आज अभी आप खबर ले रहे हो, तो कार्यक्रम उनका प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, तो ये हाईकोर्ट जा रहे हैं। हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाए हैं लोगों ने, हम भी हाईकोर्ट जा करके तैयारी कर रहे हैं उनको रोकने का। ये जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे हम लोग, कोशिश तो पूरा रहेगा, और होता है तो जो विरोध दर्ज कराना है वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता हमें। आपके तरफ से कोई चेतावनी या सावधानी? चेतावनी यही है कि कार्यक्रम रद्द किया जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा ना दिया जाए, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दिया जाए। इसके आड़ में ये लोग बोलते हैं कि 2 घंटे में हम धर्मांतरण कर लेंगे। अरे 2 घंटे में धर्मांतरण नहीं, आज छत्तीसगढ़ के सिर्फ भिलाई ज़िले की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बहू और बेटे अलग हो गए हैं, तलाक हो गया सिर्फ इस चर्च में जाने के चकल्लस में। आप किस तरफ की बात कर रहे हैं आप? मैं मूर्ख हूँ क्या कि मैं अपने लोगों को भटकते हुए देखूँ और तुम कुछ भी करो कुछ भी बोलो मैं मान जाऊँगा? मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ, उसे मैं स्वीकारता हूँ, और मैं जानता हूँ कि 100% ये लोग धर्मांतरण का काम करके हमारे लोगों को बरगलाते फुसलाते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं। धन्यवाद रतन जी आपका बहुत बहुत जी। गौतम जी बताएंगे अभी जो चंगाई सभा होने वाले हैं जिसमें सारे लोग मिलकर आप लोग रोक लगा रहे हैं कि ये चंगाई सभा क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि चंगाई सभा में मिशनरियों का ये कहना है, जो उनके समुदाय के लोगों का कहना है कि हम सिंपल प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना से हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाते इस सभा में, लोग स्वतः अपने मर्जी से आते हैं।
लेकिन लोग अगर अपनी मर्जी से आ रहे हैं तो उसमें उन लोगों का क्या गलती है? सबसे पहले तो जो बलजिंदर सिंह आ रहे हैं वहाँ से जलंधर से, वो मिशनरियों को मिलाकर ये हिंदुओं को पूरा वो कर दें, स्थानांतरित कर दें। मेन चीज़ जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में भोले भाले जनता है, माँ बहन भाई जितने भी लोग हैं, बहुत सीधे साधे हैं, तो उनके कारण वो लोग क्या है, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, बरगलाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि भाई ये मर गया तो हम इसको उठा देंगे, इसकी तबीयत ख़राब है तो हम इसको ठीक कर देंगे। ये ऐसी रहता तो ये प्रशासन जो डॉक्टर लोग हैं ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? मेन चीज़ ये कि आप बेवकूफ़ बनाने का काम है टोटल। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये यहाँ सभा ना करें और हमारे भोले भाले जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं। तो ये सभा होने ही नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रशासन में गए थे कलेक्टर मैडम के पास में, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया और यहाँ से कैंसिल भी हो गया। वो लोग गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में गए हैं वहाँ से लेने के लिए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सभा ना हो, और उसकी सभा होगी तो फिर हम लोग आगे फिर देखेंगे, आगे सब मिल के बैठक करके फिर बात करेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना। मतलब आप लोगों ने रणनीति बना ली है कि ये चंगाई सभा होनी नहीं, चंगाई सभा होना ही नहीं चाहिए। आप तो आपने सारे भगवा दिग्गज को सुने हैं कि वो चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में जो है चंगाई सभा नहीं होने दिया जाएगा। लोकल स्तर पर जो भगवाधारी लोग हैं उन्होंने स्टेटमेंट अपना दे दिए हैं और कलेक्ट्रेट में अपनी जानकारी रख दिए हैं, और जो क्रिश्चियन मिशनरी समुदाय के जो लोग हैं इस पूरे मामले पर जो है हाईकोर्ट से परमिशन चाह रहे हैं। तो अभी ये देखते हैं कि क्या इनको परमिशन मिल पाता है, ये चंगाई सभा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो समय बताएंगे। लेकिन जिस तरह से टकराव देखने को मिल रहा है कि एक पक्ष चाह रहा है कि चंगाई सभा हो, दूसरा पक्ष चाह रहा है कि ये चंगाई सभा ना हो, तो ये चंगाई सभा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो समय बताएगा। ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रही है वीएलसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।